देखो इन दोनों का डायमेंशन तो मैच कर गया, तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है कि RHS और RHS दोनों का डायमेंशन हमेशा बराबर आएगा। इसी तरह देखो इसी फोर्स को अब देखो अगले क्वांटिटी में पढ़े होगे, ये भी पढ़ा जाता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो प्रेशर इनटू एरिया की वैल्यू को तो फोर्स ही देगा। अब डायमेंशन लिखना शुरू करो, फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं आएगा MLT-2। प्रेशर का डायमेंशन देखो क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है ML-1 T-2 और एरिया का डायमेंशन होता है L पावर 2। ये देखो ये पावर 2 है पावर 1 है अंदर बेस, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो यहां 1 ही बचेगा, ये बचेगा ML T-2 और ये हो गया ML T-2। फिर देखो फिर ये RHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो यही फोर्स की क्वांटिटी थी। पहले तो मास इंटरपोलेशन से देख रहे तो इसका दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर आ रहा है, अभी भी इसका डायमेंशन बराबर आ रहा है, तो हम इसको बार बार चेक कर सकते हैं। अगर मान लो गलती से किसी ने प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया लिख दिया, ठीक है, किसी ने गलती से प्रेशर को फोर्स इनटू एरिया लिख दिया, अब ये जो प्रेशर का जो ये इक्वेशन आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, अब वो इस पूरे क्वांटिटी से मैच करेगा ही नहीं, इसका मतलब हमें पता चलेगा कि हम कुछ गलत लिख दिए हैं, तो हमसे करेक्ट कर सकते हैं। ये डायमेंशन का एप्लीकेशन होता है कि हम डायमेंशन को करेक्ट करके देख सकते हैं। अगर देखो यहीं पे अगर प्रेशर को फोर्स इनटू एरिया लिख के रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रेशर का तो डायमेंशन पता है ML-1 T-2, इस साइड का निकाल के देखो ये हो जाएगा ML T-2 और फिर इसमें a का मल्टीप्लाई करना, a मतलब l का पावर 2, ये पावर 2 है पावर 1 है तो ये पावर 3 हो जाएगा, ML3 T-2 ML-1 T-1। देखो यहां का डायमेंशन कुछ और है वहां का कुछ और, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फार्मूला जो हम ये वाला लिख दिए हैं ये गलत है, यहां से हम चेक कर सकते हैं उसकी करेक्टनेस को, इसी इक्वेशन के करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। फिर देखो इसी फोर्स को अगर निकालना तो एक फार्मूला पढ़ाया जाता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स निकालना है तो इसको करना पड़ेगा पावर अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स। पावर क्या होता है देखो वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है ML2 T-2, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे और ये वेलोसिटी। इस टाइम से देखो ये टाइम कट जाएगा, इस साइड से देखो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना ML T-2 और फोर्स का डायमेंशन भी यही होता है ML T-2। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम चेक कर सकते हैं, देखो यहां पे गड़बड़ आ रहा था तो पता चल गया कि वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इक्वेशन करेक्ट या नहीं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसके जब एप्लीकेशन पढ़ाए जाएंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक करते हैं। तो इतना सब कुछ नोट कर दो, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।